Good morning and welcome back to our daily market show. On the daily chart index ने एक bearish candlestick का formation form किया है जो indicate करता है कि current weakness continue रह सकता है. As long as index 24700 levels के नीचे trade करता है, weak sentiment is likely to persist. आज 24700 एक important level रहेगा to watch out for. On the downside, market may correct towards the levels of 24250 to 24000 levels. Conversely, अगर market 24700 levels के ऊपर जाता है, then it could lead to a recovery towards 24800 to 24900 levels. Now, for short-term traders, अगर हमें bullish reversal formation देखने मिलता है around 24250 to 24000 levels, only then buying is advisable for you. अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पोजिशनल कॉल को देखते हैं. 5 डेज पोजिशनल कॉल के लिए कोटक सिक्योरिटीज की टेक्निकल रिसर्च टीम ने जोमैटो बाय करने रेकमेंड किया है. टारगेट अब सेट करें 275 या 290 के लेवल्स पर और स्टॉप लॉस लगाना ना भूले 240 के लेवल्स पर. एंड फाइनली आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये देखते हैं. आज पेटीएम पे फोकस रहेगा क्योंकि पेटीएम को NPCI का अप्रूवल मिल गया है टू ऑनबोर्ड न्यू UPI यूजर्स ऑन दियर प्लेटफॉर्म. राइट्स लिमिटेड को एक नया ऑर्डर मिला है वर्थ ₹454 करोड़ फ्रॉम कर्नाटका माइनिंग एनवायरमेंट रिस्टोरेशन कॉर्पोरेशन. जोमैटो ने अपने Q2 FY25 के रिजल्ट्स में 388% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया. इट्स रेवेन्यू ग्रो बाय 68%. जोमैटो ऑल्सो हैज अप्रूव्ड अ फंड रेज ऑफ अप टू ₹8,500 करोड़ वाया QIP दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. और आज 23rd October HUL, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, बजाज होल्डिंग्स, बिरला कॉर्पोरेशन अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स आज अनाउंस करेंगे. तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स. इसी तरह रोज मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज YouTube चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई वेबसाइट लिंक को आप चेक कर सकते हो फॉर रेगुलर मार्केट अपडेट्स. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.